हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चावल के आटे का पापड़। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर हम आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, तो इसे देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कप चावल के आटे लिए हैं। आप यहाँ पर मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरी ले लें। आप यहाँ पर जितना चावल के आटे लेंगे उसके 8 गुने पानी रखना है। तो यहाँ पे हम 1 कप चावल के आटे में फ़िलहाल 2 कप पानी ऐड किए हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स किए हैं और बाकी के पानी हम अब ऐड कर देंगे। डायरेक्ट से आप सारे पानी ऐड नहीं करें, आप थोड़ा थोड़ा करके जब आपको लगे तब आप ऐड करते जाएं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 कप ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे ये लीजिए 6 कप। 2 कप पानी हम बाद में ऐड करेंगे। कई बार होता है कि सारे के सारे पानी हम वीडियो में देखकर वैसे ही ऐड कर देते हैं और बाद में बहुत ही पतला हो जाता है, तो इस तरीके की गलती आप नहीं करें। कई बार चावल की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। तो आप पहले, हम यहाँ पे 8 कप बताएं तो आप 6 कप ही पानी ऐड करें और इसे पहले हीट होने दीजिए। जब ये हीट होगी तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसमें कितने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे थोड़ा सा हीट हुई है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई है। अभी इसमें उबाल नहीं आया है, सिर्फ ये हीट हुई है। तो यहाँ पे अब हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे और तो पूरे हम 8 कप पानी ऐड किए हैं। आप चाहें तो, अगर आपके इस सिचुएशन पर, इस जगह आपके जो चावल के बैटर हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप पानी नहीं ऐड करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था, अभी उबाल भी नहीं आया है, तो हम 2 कप पानी और ऐड कर दिए हैं। कुल हम इसमें 8 कप पानी ऐड कर दिए हैं। अब आती है बारी इसको अच्छी तरह से कुक करने की। तो यहाँ पे अब हम कुक करेंगे कंटिन्यू चलाते हुए। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अब धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अब पहले ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ है ये। आप यहाँ पे और भी जैसे चिली फ्लेक्स और जीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चावल के पापड़ में सिर्फ हमको ये काली मिर्च का पाउडर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसे ऐड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मसाले ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से इसे हम उबालेंगे। लगभग आप इसे 8 से 10 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे उबालें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से उबल रही है। तो चावल जितने अच्छे से कुक होंगे उतने ही अच्छे से आपके पापड़ तैयार होंगे, उतने ही उसमें लाइट आएगी पापड़ में और वो बहुत ही फ्रेश दिखेंगे। तो इस सिचुएशन पे देख लीजिए, बहुत अच्छे से उबाल आ रही है। तो आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखें और उसे अच्छी तरह से कुक होने दीजिए। तो यहाँ पे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, किनारे किनारे से जो चावल का बैटर सटे हुए उसे भी हटाते रहेंगे और तली में बिल्कुल भी नहीं बैठनी चाहिए, इस बात के आप ध्यान रखें। वैसे हम चावल के आटे की तिलौरी कैसे बनाते हैं उसकी भी हम वीडियो भल 2 ही सप्ताह पहले डाले हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और वो भी अच्छी लगती भी है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर विजिट करके बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी हम डाले हैं, उसे आप देख सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोशिश कीजिए जो भी आप वीडियो देखें उसे आप ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही इजी तरीक़े से हम बताते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे और हम आपको अब छत पे ले चलते हैं। यहाँ पे एक पॉलीथीन या प्लास्टिक कोई भी आप फैला दें छत के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, जैसे खाने वाले चम्मच जो होते हैं उससे आप 2 चम्मच, अगर बड़े चम्मच है
तो उसे भर के एक चम्मच डालकर और इसे थोड़ा सा ऐसे फैला दें। आप चाहें तो इससे भी बड़ा बड़ा पापड़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे पापड़ को फटाफट से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हम सारे पापड़ ऐसे ही बना लेंगे और करीब हम इसे 2 से 3 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 3 दिन धूप में सूखने के बाद कितना अच्छा ये हो गया है। इसका जो शेप है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पतला भी है और ये टूटा भी नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना लाइट है इस पापड़ में। आप इसे स्टोर करके सालों रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे भरकर रख दें और सालों भर आप इंजॉय करें। चलिए हम आपको एक फ्राई करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसमें हम एक पापड़ को डालेंगे और इस तरीके से हम पलट लेंगे। ये देखिए साइज से ये अपने दुगुने हो रहे हैं पापड़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको जितने भी पापड़ फ्राई करने हैं आप फ्राई कर लीजिए। आप इसे चावल के साथ और फिर से चाय वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, घर का बना हुआ है तो ऐसे ही ये टेस्टी और हेल्दी क्रिस्पी सब कुछ इसमें है। तो इस तरीके से आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।